हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। और आज की इस वीडियो में फ्यूटर फुल थ्योरी कोर्स हम लोग कर रहे हैं, जिसका क्लास 4 है। आप लोग 3 वीडियो पहले नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा। इस क्लास में हम लोग 5S कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगे, जो कि आपको विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। 5S कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बिन जो होता है उसके बारे में पूछता है, तो वो भी पढ़ेंगे। और साथ में यहाँ पे पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पर्सनल सुरक्षा के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि DRDO, CITS और साथ में इसरो हो गया, फिर आपका UPPCL हो गया, फिर आर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, इन सभी में जो क्वेश्चन पूछा है उन सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे आप लोगों को आज ही इस क्लास में, ठीक है। तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुके हैं वो सारी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आग के कितने प्रकार होता है वो मैंने बता दिया है, अग्निशामक यंत्र और उसके विभिन्न प्रकार जो होते हैं वो मैंने बता दिया है, फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दिया है, फिर कृत्रिम श्वसन, तीन तरह के मैंने कृत्रिम विधियाँ बताई थी, जैसे कि सिल्वेस्टर विधि, सेफार्ड विधि, लेबार्ड विधि, तो वो सभी मैं बता दिया जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आग के प्रकार में चार तरह के आग बताए, तो वो सभी मैं पिछले वीडियो में क्लास में करा चुका हूँ। चलिए, इस वीडियो में आप लोग जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला, इस वीडियो में हम लोग 5S कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल पड़ा, ये सभी आप लोग जानेंगे, और 5S का मतलब क्या होता है एक एक चीज जानेंगे। फिर दूसरा, आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे हम PPE के बारे में पढ़ेंगे। PPE ठीक है, यानी कि PPE क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो आपको सुरक्षा दे, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और तीसरा, यहाँ पे नोट करिएगा आप लोगों को, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बिन बताऊंगा, वेस्ट मटेरियल बिन यानी कि ऐसा मटेरियल जब आप कंपनी में वर्क करेंगे तो तरह तरह के कूड़े करकट निकलेंगे, तो उन सभी का मटेरियल किस बॉक्स में कौन सा मटेरियल डाला जाएगा वो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कागज के लिए कौन सा मटेरियल बिन किस कलर का होता है, या प्लास्टिक के लिए, या आपका पूछ लेगा कि तरह तरह के आयरन होते हैं यानी कि लोहे वगैरह के लिए उनका मटेरियल कैसा होगा, फूड के लिए कैसा होगा, वो सभी भी इसमें पूछता है। तो चलिए, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, पहला 5S कॉन्सेप्ट पहला देखेंगे। 5S कॉन्सेप्ट अभी पहले चैप्टर का ही हम लोग चल रहे हैं। 5S कॉन्सेप्ट में 5S होते हैं। 5S का मतलब क्या होता है, 5S होता है 1, 2, 3, 4, 5 5S मैंने क्या कर दिया, बना दिया। तो ये जापानी वर्ड है, 5S कॉन्सेप्ट क्या है, एक जापानी वर्ड है। अगर आप कंपनी में काम करने जाएंगे ना, तो आपको तरह तरह के जो इक्विपमेंट, मटेरियल, टूल्स वगैरह मिलेंगे, वो सभी आपको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ेगा। आपके जो कंपनी में मशीन वगैरह लगेंगी वर्कशॉप में, वो व्यवस्थित ढंग से लगा होता है, तो इसी कंसेप्ट पे लगाया जाता है। चलिए, वो 5S आप लोग देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे। पहला जो 5S का मतलब होता है, वो पहला जापानी वर्ड जो आता है वो है सिरी। दूसरा आता है, इनके मतलब हम समझाएंगे, पहले आप लोग नोट करिएगा, पहला सिरी, दूसरा सीटोन, SITON सीटोन, ठीक है। तीसरा ऐसे लिखिएगा सीसो दिया है, SISO सीसो, ठीक है। चौथा ऐसे लिखेंगे आप लोग सिकेत्सु, इन सभी का अलग अलग अर्थ निकलता है। और अगला जो आता है सित्सुके, ठीक है, इनका मतलब देखेंगे। पहला सिरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट का मतलब होता है छटनी, यानी कि छाटना। ऐसी चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल है, या आपके जब जाप बना रहे होंगे तो उसमें से बहुत सी चीज़ें छट कर निकल रही होंगी, उसी को बोलते हैं छाटना। यानी आप जब टूल्स वगैरह में भी ऐसे टूल्स हो जाते हैं जो खराब हो जाते हैं या वर्क लायक नहीं रहते हैं, उनको छाटा जाता है, तो वो क्या होता है, छटाई की जाती है। शॉर्ट में क्या हो जाता है, सिरी में छटाई की जाती है। दूसरा दिया है सीटोन, सीटोन का मतलब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सेट इन आर्डर होता है, सेट इन आर्डर यानी कि व्यवस्थित ढंग में रखना, ठीक है। सेट इन आर्डर मतलब क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से रखना, व्यवस्थित ढंग से रखना, कोई भी टूल्स हो रखना, कोई भी टूल्स हो गया व्यवस्थित ढंग से। आपको पता होगा, जब अगर आप जाप किए होंगे तो आपको पता होगा कि टूल्स वहाँ रखा हुआ है, वो मशीन वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को इलेक्ट्रिक वाले सामान है वो भी व्यवस्थित होती हैं, तो वो सभी वर्कशॉप हो गया या कंपनी हो गया उसमें व्यवस्थित ढंग से सारे सामान को रखना पड़ता है। अगला देखिएगा, अगला दिया है सीसो, सीसो का मतलब होता है साइन, साइन मतलब होता है, यहाँ पे साइन चमकना का अर्थ होता है, लेकिन इसका मतलब होता है स्वच्छता से, स्वच्छता से।
ठीक है, यानी कि जिस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पे आपकी स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरा जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका मटेरियल बनाया जा रहा है इधर उसका कुछ पार्ट पार्टिकल उधर है, टूल्स उधर बिक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जगह है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगला दिया है शिकेत्सु। शिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, मानकीकरण। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किसी एस का मतलब पूछ देगा, सीटोन मतलब क्या होता है, तो सीटोन मिस याद रखिएगा, सेट इन ऑर्डर। शिकेत्सु मतलब पूछेगा स्टैंडर्डाइजेशन। अभी मैं इसको थोड़ा आप लोगों को दो तीन बार बुलवा दूंगा तो याद हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। मानकीकरण में होता है कि मानक चीज होती है ना, आपको पता है कि लेथ मशीन है या कोई भी मशीन है तो आपको इतना जगह चाहिए, ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर, ये आपका जगह व्यवस्थित होने के बाद ये क्या होता है कि ये मानक उतरता है। कोई भी टूल्स वगैरह कहाँ जरूर पड़ती है, अगर कोई पार्ट्स खोलना है तो आपको उचित टूल्स का भी यूज करना पड़ेगा, वह सब किस में आ जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाता है। अगला लिखेंगे शिकेत्सु। शिकेत्सु मतलब होता है सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या होता है? बचा कर रखना, सस्टेन बचा कर रखना कोई चीज। अब कोई चीज बचा कर रखना, अब कोई चीज बचा कर कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई चीज बचाने का मतलब है कि सस्टेन मतलब बचा कर रखना। अगर मान लीजिए कि बहुत जरूरी है डिसिप्लिन, ठीक है, अगर आप कहीं वर्कशॉप या कंपनी में जॉब करेंगे तो यहाँ पे डिसिप्लिन मांगता है, यानी कि आप एक डिसिप्लिन के अंतर्गत रहेंगे और वो चीज़ें बचा कर रखना पड़ता है। इसलिए आपके बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, वो आप पे थोड़ा दबाव डालता है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो काम भी अच्छा कर जाएंगे। तो ये हमने तो 5S कंसेप्ट पढ़ लिया। अब अगला आगे आएंगे PPE के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग डालिएगा यहाँ पे PPE के बारे में, ठीक है, ये मिटा दूं मैं। आप लोग देखे होंगे PPE, आप लोग वर्कशॉप हो गया या कंपनी में भी PPEs पहनना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि PPE का मतलब क्या होता है, तो वो आप लोग फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लेगा, या कभी ई का मतलब पूछ लेगा कि PPE में ई का मतलब क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब यहां पे इसका मतलब थोड़ा समझेंगे। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव मतलब होता है जो सुरक्षा दे, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, और यानी कि PPE का मतलब क्या हो गया? ऐसा उपकरण जो आपको खुद को सुरक्षा आपको खुद को बचाव करे ना, आपको खुद को सुरक्षा करे, उसी को PPE कहते हैं। अब PPE में बहुत सारे होते हैं, जैसे गॉगल्स होता है, ग्लव्स होता है, एप्रोन होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि पूछ देता है आंख के बचाव के लिए, आंख के बचाव के लिए क्या करते हैं, तो आप लोग एक एक चीज लिखेंगे आंख के बचाव के लिए क्या क्या PPE पहनना पड़ता है आंख के बचाव के लिए, आंख के बचाव के लिए क्या क्या पहनना पड़ता है, तो आप लोग लिखिएगा आंख के बचाव के लिए हम लोग क्या क्या पहनते हैं। पहला चश्मा पहनते हैं यानी कि गॉगल्स, गॉगल्स ये लिख लीजिएगा। दूसरा लिखेंगे आंख के बचाव के लिए, ये एक हो गया। दूसरा क्या होता है आंख के बचाव के लिए? ग्लासेज होता है, दोनों एक ही है, ग्लासेज हो गया। उसके बाद क्या होता है? फेस शील्ड होता है, फेस शील्ड ये भी क्या करता है? आंख का बचाव करता है, ये नोट कर लीजिएगा। अगर तीनों में आएगा, अगर एग्जाम में आ गया कि आंख के बचाव के लिए ऑप्शन कुछ अलग रख दिया रहेगा, उसमें इन तीनों में कोई भी ऑप्शन दे दिया रहेगा, तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, कभी कभी क्या कर देगा इनमें से कौन सा आंख के बचाव के लिए नहीं दिया जाता है, तो यहां पे आपका लिख देगा ईयर मफ। अगर लिख देगा तो ईयर मफ आपका आंख के बचाव के लिए नहीं है, ये कान के बचाव के लिए। तो आंख का बचाव के लिए आपने देख लिया। अब अगला डालेंगे आंख के बचाव के लिए, तीन चीजें आपने लिख लिया। अगला डालेंगे आप लोग कान के बचाव के लिए पूछ लेता है, यहां पे हेडिंग डालिएगा कान के बचाव के लिए। तो कान के बचाव के लिए क्या क्या चीजें पहनते हैं, तो वो चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। कान की बचाव के लिए हम लोग ईयर प्लग और ईयर मफ पहनते हैं, ईयर प्लग जहां पे शोरगुल हो ना, सबसे ज्यादा शोरगुल होता है वहां पे ईयर प्लग या ईयर मफ पहन लेते हैं। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल पूछ लेगा कि कान के बचाव के लिए क्या किया जाता है, ईयर प्लग दिया रहेगा और बाकी अदर इक्विपमेंट दे दिया जाएगा, ग्लास दे देगा, ठीक है, या आपका हेड दे देगा, हेलमेट दे देगा, उनमें से कोई एक आपका कान के बचाव के लिए
ईयर प्लग और ईयर मफ आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपका याद हो जाएगा। अगला देखेंगे, कान का बचाव हो गया, आंख का बचाव हो गया। अब यहाँ पे नोट करेंगे, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनके बचाव के लिए, सांस से संबंधित प्रॉब्लम ना हो उनकी बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांस से संबंधित यहां पर लिखिएगा, सांस से संबंधित बचाव के लिए, सांस से संबंधित बचाव के लिए, संबंधित बचाव के लिए क्या करते हैं, तो देखिए सांस से संबंधित बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर रिस्पायरेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्टर रिस्पायरेटर। ये क्या करता है, जहां पे देखिए सबसे पहले तो हमें सांस से बचाव के लिए फिल्टर रिस्पायरेटर का यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं, जैसे जहां पे आप काम कर रहे हैं अधिक धूल वगैरह है, धुआं वगैरह है, तो आपको स्वच्छ हवा आप ले पाए सांस के थ्रू, इसके लिए एयर फिल्टर का यूज किया जाता है, वही है फिल्टर रिस्पायरेटर। दूसरा क्या यूज किया जाता है, एयरलाइन रिस्पायरेटर। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों क्या है, एयरलाइन रिस्पायरेटर, यानी कि एयरलाइन रिस्पायरेटर भी आपसे सांस से संबंधित कोई बचाव करने के लिए आपको ये इस्तेमाल किया जाता है। अगला आप लोग लिखेंगे, पैर की सेफ्टी के लिए, पैर के बचाव के लिए या पैर की सेफ्टी के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसा एग्जाम पूछ देता है, पैर के बचाव के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो पैर के बचाव के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पहला तो आप लोग सूज इस्तेमाल करते हैं। सूज में कौन सा, लेदर सूज हो जाएगा। सूज में भी लेदर सूज हो गया या सेफ्टी सूज आता है, सेफ्टी सूज कैसा होता है, ये लेदर सूज लिख दिया, लेदर सूज भी इस्तेमाल किया जाता है, या सेफ्टी सूज आता है। सेफ्टी सूज में क्या होता है कि आपका लोहे का उसमें परत होता है, सेफ्टी सूज में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पैर के बचाव के लिए सूज हो गया, और उसके बाद बूट भी आता है, बूट भी लिख लीजिएगा, बूट्स आप लोग देखे होंगे जो बड़ा सा उसका रहता है, बूट्स वगैरह भी पहने जाता है पैर की सेफ्टी के लिए। उसके बाद अगला पूछ लिया जाता है, जैसे सर है कोई चीज, मान लीजिए कि आप लोग वर्कशॉप या कंपनी में जब जॉब करेंगे, ऊपर से कोई चीज गिरेगा तो आपका सर फटने का डर रहता है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सिर की बचाव के लिए, सिर यानी कि हेड, किसका, हेड के बचाव के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हेड का बचाव के लिए पहले तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हार्ड हैट लिखिएगा, हार्ड हैट, यानी कि हार्ड हैट का मतलब जो टोपी आपका वो कैसा होगा, कठोर होगा। ठीक है, जो मैं टोपी पहना हूँ ये वाला टोपी नहीं, वो हैट आप लोग देखे होंगे येलो कलर का आता है और वाइट कलर का आता है, वो थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, हार्ड हैट यहाँ पे लिखिएगा, हार्ड टोपी। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं, सिर के बचाव के लिए तो हेलमेट हम लोग पहन सकते हैं, सिर के बचाव के लिए हम लोग क्या पहनते हैं, हेलमेट भी पहन सकते हैं, तो ये है। ठीक है, सिर के बचाव के लिए हो गया। उसके बाद होता है बॉडी की सुरक्षा के लिए, तो ये सभी बॉडी की सुरक्षा के लिए है, लेकिन पूरी बॉडी की सुरक्षा के लिए बॉडी यहाँ पे लिख दूँ, बॉडी यानी कि शरीर की सुरक्षा के लिए, तो बॉडी के सुरक्षा के लिए हम लोग क्या पहन सकते हैं, एप्रोन पहन सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, एप्रोन आप लोग नोट करिएगा, एप्रोन पहन सकते हैं। दूसरा क्या पहन सकते हैं यहाँ पे, एप्रोन के साथ साथ हम लोग पहन सकते हैं यहाँ पे ओवर आल्स मतलब सभी चीजों को हम लोग पहन सकते हैं। ठीक है, बॉडी की एक एक सुरक्षा के लिए, तो ये था आप लोग को पीपीई हो गया। उसके बाद ये तो अभी सेकेंड टॉपिक था, थर्ड टॉपिक आप लोग का और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली आप लोग जब वर्कशॉप में या आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो आपको बेस्ट बिन से एक में पूछ देगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख ले रहा हूँ, कलर पूछेगा पेपर के लिए कौन सा कलर चाहिए, अगर पेपर मान लीजिए, पहले तो समझिए वेस्टबिन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब हम लोग कहीं भी रहते हैं घर पे भी आप लोग देखे होंगे तो सब्जी का अलग कचरा निकल कर होता है, ठीक है, प्लास्टिक का अलग निकल जाता है, अगर हम लोग कागज वगैरह का अलग निकलता है, ठीक है, अगर कोई हार्ड मटेरियल जैसे कि लोहा वगैरह उनका अलग निकल जाता है, तो कंपनी में भी तो इन सारी चीज़ों का निकलता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उन सभी को निपटाने के लिए अलग अलग कचरे की डस्टबिन होता है, उसमें अलग अलग कलर का होता है, वो एग्जाम में पूछ लेता है कि पेपर के लिए कौन सा कलर चाहिए, ठीक है, उसके बाद ग्लास के लिए कौन सा कलर चाहिए, लोहे के लिए कौन सा कलर चाहिए, फूड की मटेरियल है जैसे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं वो भी बच जाता है, तो उसके लिए कौन सा वेस्टबिन चाहिए, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। तो नोट करिएगा, यहाँ पे चार चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला पूछ देता है पेपर के लिए कौन सा वेस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे, तो पेपर हो गया, ग्लास हो गया, यहाँ पे छह चीजें आप लोगों को इसमें याद करना है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक,
प्लास्टिक, उसके बाद मेटल, मेटल मतलब धातु हो गया ना, उसके बाद आप लोगों का फूड प्रोडक्ट हो गया, फूड से संबंधित फूड प्रोडक्ट, यानी कि खाने से संबंधित कोई भी वेस्ट बच रहा है उसको कहाँ बेचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अगला लिख लीजिएगा अदर कोई भी सामान हो, अदर प्रोडक्ट का, इनके अलावा कोई भी अदर प्रोडक्ट होगा तो उनका कलर कैसा होगा, ठीक है, अदर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे पेपर और ग्लास का देखेंगे, उसके बाद प्लास्टिक। तो पेपर के लिए जो कलर कोड होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए पेपर ब्लू कलर का, ग्लास जी से ग्लास और ग्रीन कलर का होगा, ये कैसा कलर होगा वेस्टबिन। यहाँ पे आप लोग मटेरियल लिख लीजिएगा, मटेरियल, मटेरियल, और इधर लिख लीजिएगा वेस्टबिन, यानी कि जो बचा है उसका वेस्टबिन, मतलब जो डब्बा रहता है ना वो किस कलर का होगा। तो आप लोग ग्लास के लिए कौन सा कलर लिखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का लिखेंगे। प्लास्टिक के लिए, तो प्लास्टिक के लिए आप लोग याद करिएगा येलो कलर है, कौन सा कलर है, येलो कलर। उसके बाद मेटल आ गया, तो मेटल के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे यहाँ पे, तो मेटल के लिए, मेटल का कलर मैक्सिमम कैसा होता है, रेड कलर का होता है, आप लोग देखेंगे जंग वगैरह भूरा कलर का हो जाता है, तो मेटल के लिए रेड कलर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट के लिए हम लोग कौन सा वेस्ट कोड यूज करते हैं, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का वेस्टबिन जो होता है डस्टबिन उसका यूज करते हैं। उसके बाद अदर कोई भी प्रोडक्ट हो ना उसके लिए स्काई ब्लू, कैसा कलर होता है, स्काई ब्लू। तो इसे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा कि पेपर के लिए कौन सा कलर, तो पेपर के लिए ब्लू, ग्लास के लिए ग्रीन, प्लास्टिक के लिए येलो, और उसके बाद मेटल के लिए रेड, उसके बाद फूड प्रोडक्ट के लिए ब्लैक, और अदर प्रोडक्ट के लिए स्काई ब्लू, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो सब हम लोग इसी वीडियो में करने वाले, जैसा कि मैं बताया हूँ। और ये पहला चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। पहला चैप्टर आपका क्या था, व्यवसाय सुरक्षा एवं साधन, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे कि अग्नि के प्रकार पढ़े हैं, ABCD, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप एक एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ना आप पिछले सभी वीडियो को देख जाइए, क्योंकि आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन दिया है ये IOF यानी कि इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिर की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं। यहाँ पे दिया है हार्ड हैट्स, हेलमेट, कैप्स, उपरोक्त ANB, ठीक है, यानी कि ANB का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कैप्स का तो इस्तेमाल नहीं करते, सिर की सुरक्षा के लिए हम हार्ड हैट का उपयोग करते हैं और हेलमेट का उपयोग करते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही होगा, उपरोक्त ANB, यानी कि हार्ड हैट का इस्तेमाल करेंगे और हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो आया ये भी आर्डिनेंस फैक्ट्री में ही आया था, सिर की सुरक्षा के लिए पूछ दिया, उसके बाद आया था पैरों की सुरक्षा के लिए। मैं यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग उसको याद करिएगा, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। दिया है पैरों की सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूँ, और आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना तो बहुत समय लग रहा है, तो आपको क्वेश्चन भी पता चल जाए और आप लोग उसको नोट भी कर लें। तो देखिए दिया है पैरों की सुरक्षा के लिए, ये आर्डिनेंस ये RRB गोरखपुर में पूछा था, यानी कि LP का क्वेश्चन है, ठीक है। पैरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया था हवाई चप्पल, हवाई चप्पल का इस्तेमाल करेंगे पैरों की सुरक्षा के लिए, या बी यहाँ पे दिया है कैनवास शूज दिया है, कैनवास शू यानी कि कैनवास शू का मतलब कैनवास का जूता, या सी दिया है यहाँ पे लेदर शूज दिया है, लेदर शू, शू मीन्स जूता होता है, ठीक है, और डी पार्ट दिया है उपरोक्त सभी। तो पैरों की सुरक्षा के लिए इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, हमने अभी बताया आप लोगों को, लेदर शू का इस्तेमाल करेंगे, या सेफ्टी शूज में ऑप्शन में रहेगा वो इस्तेमाल करेंगे, या बूट ऑप्शन में रहेगा वो सही होगा ना, या पे उपरोक्त सही नहीं होकर पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लेदर शू का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो भी ALP का क्वेश्चन है, ठीक है। शरीर की सुरक्षा के लिए दिया है, शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन दिया है ओवरऑल्स, ठीक है, ओवरऑल्स, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्लव्स, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है ग्लव्स, तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे ये ALP का ही क्वेश्चन है, एप्रोन का इस्तेमाल करते हैं, एप्रोन, या तीसरा ऑप्शन दिया है डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने बताया ना, कोई भी चीज दिया है ना शरीर की सुरक्षा के लिए दिया है तो वो सब सही होगा। देखिए ओवरऑल भी हम लोग शरीर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, ग्लव्स हाथों में पहना जाता है वो भी शरीर की सुरक्षा करता है, एप्रोन पूरी बॉडी में पहना जाता है वो भी
एप्रोन कपड़ा होता है वो भी शरीर की सुरक्षा करता है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे और भी चीजें दिया रहता है ना वो शरीर की सुरक्षा के लिए, जैसे हैट्स भी दिया रहता है, तो वो भी तो हैट्स किस में पहना जाता है, हार्ड हैट। हार्ड हैट ये भी हमारे शरीर की सुरक्षा ही करता है ना, शरीर के पार्ट को, कुछ ना कुछ पार्ट को। हार्ड हैट्स हो गया, ऐसी कोई भी चीज दिया, ग्लव्स दिया है, गॉगल्स दिया है, चश्मा दिया है, ठीक है, या आपका हार्ड हैट हो गया, कोई भी चीज दिया वो शरीर की सुरक्षा में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला दिया है ये हाल, यानी कि हाल के पेपर में दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। फिटर जो टेक्नीशियन का 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे रिलेटेड पूछा था आग से रिलेटेड, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को यूपी आर्विनल टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था यूपी आरवीयूएनएल में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को स्तंभों को मिलान करना है, यहाँ पे आग का प्रकार दिया है सूची वन में, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, और यहाँ पे ईंधन दिया है यानी कि सूची टू दिया है, इसमें आपको मिलान करने के लिए दिया है। यहाँ पे आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्लास ए फायर में मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया था, ठोस ठोस द्रव गैस, ठोस में ठोस द्रव गैस, ठोस में क्या हो जाएगा ए द्रव, ठोस ठोस ए हो गया, द्रव किस में हो गया, बी हो जाएगा, क्लास बी फायर, और उसके बाद ठोस द्रव गैस आता है तो ए बी सी, सी पे गैस आएगा, ठीक है, और डी में जो ज्वलनशील धातुएं हैं और बिजली से लगी आग, क्लास डी में जाता है। तो चलिए इनको मिलान करते हैं, क्लास ए फायर में ठोस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लकड़ी, ठीक है, तो ए से किसको मिलान कर देंगे, ए से टू का मिलान कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया था आपका ए ऑप्शन दिया था, तो ए टू हो गया। फिर क्लास बी फायर में तो बी ए बी यानी ठोस द्रव, द्रव किस में आएगा, देखिए यहाँ पे ज्वलनशील द्रव यहाँ पे दिया है, बी वाले में बी से चार को मिलाएंगे, बी से चार को मिलाएंगे, यानी कि बी वाला क्लास बी फायर किस में आएगा, ज्वलनशील द्रव में आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे क्लास सी फायर देखिए, तो ठोस द्रव गैस, क्लास सी फायर में क्या आएगा, गैस वाला आएगा, गैस कहाँ दिया है, वन में दिया है, गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ठीक है, तो सी वाला किस में हो जाएगा, सी वन से मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास डी फायर, इसमें धातुएं आती है और बिजली से लगी आग आती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी का किस धातुएं कहाँ दिया हुआ है, तीन पे दिया है, यानी कि डी को किससे मिला देंगे हम लोग, तीन से मिला देंगे, ठीक है, यानी कि देखिए मैं मिला दे रहा हूँ, क्लास ए फायर किससे मिलाएंगे, ठोस से, लकड़ी से मिला दिया, क्लास बी फायर ठोस के बाद क्या आता है, द्रव आता है, तो द्रव से मैंने मिला दिया, ज्वलनशील द्रव, क्लास सी में गैस आता है तो गैस वाले से मैंने मिला दिया, उसके बाद क्लास डी में क्या आता है, धातुएं और बिजली से लगी आग आता है, ऐसे आप लोग मिला देंगे, जो आप समय ऐसे कूट भाषा में दिया रहेगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन जो दिया था इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिया था जो कि यूपी आरविनर टेक्नीशियन में दिया था। देखिए आग से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्लास ए ठोस, क्लास बी द्रव, क्लास सी गैस और क्लास डी धातु या बिजली से लगी आग को कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मिटा के एक बार अच्छे से रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है, एक बार और मैं अच्छे से रिपीट करवा दे रहा हूँ। जैसे क्लास ए फायर कहेगा तो ये इसमें क्या आएगा, ठोस वाले पदार्थ आएंगे, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इसको कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। क्लास बी फायर में नोट करिएगा, क्लास बी ठोस के बाद क्या आता है, द्रव आता है, तो द्रव में जो ज्वलनशील द्रव है जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल डीजल किरासिन तेल हो जाएगा, डीजल, ये सभी किस में आएगा, ये द्रव अवस्था में होती है, क्लास बी द्रव अवस्था, पेट्रोल डीजल हो जाएगा। क्लास सी फायर में ठोस द्रव के बाद क्या आता है, गैस आता है, तो गैस में क्या क्या आएंगी, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन, एलपीजी, ब्यूटेन, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी गैस में आ जाएंगे। और क्लास डी में अभी मैंने बताया बिजली से लगी आग, ठीक है, और धातु से लगी आग, जैसे कि सोडियम वगैरह है, धातु से लगी आग, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। देखिए क्लास अग्नि के शामकों के प्रकार पूछ रहा है, विद्युत कार्य करते समय
विद्युत कार्य करते समय और विद्युत से आग लग जाती है तो किस प्रकार का आग है, ये क्वेश्चन पूछा है। आप तो उन्होंने दिया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास अभी आपने पढ़ा है ना, बिजली से लगी आग किस में आ जाएगा, ये क्लास डी में आ जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं हर एग्जाम में। देखिए ये अभी मैं नोएडा मेट्रो मेंटेनर में पूछा है, क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि प्लास्टिक से लगी आग किस प्रकार की आग है। तो प्लास्टिक की लगी आग किस प्रकार की आग है, पहले तो सोचिए प्लास्टिक कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, किस में जाएगा, क्लास ए फायर में। धातु भी ठोस है लेकिन वो क्लास डी में जाएगा, ठीक है, वो ध्यान आपको रखना है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये इसरो में पूछा है, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या होता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण है, क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू, किसके कारण क्लास ए फायर लगता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कास्ट यानी लकड़ी, आयरन तेल दिया है, ट्रांसफार्मर दिया है और केमिकल दिया है। तो केमिकल तो होगा नहीं इसमें, ट्रांसफार्मर दिया है तो ये ट्रांसफार्मर बिजली में चला जाएगा तो क्लास डी फायर में हो जाएगा। आयल दिया है तेल, तो तेल से लगी आग किस में जाएगा, द्रव अवस्था में होता है, ये क्लास बी फायर में चला जाएगा। उसके बाद बचा एक ऑप्शन क्लास ए फायर में, वुड बस ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और भी चीजों में दिया है इससे रिलेटेड, आरआरबी एलपी में पूछा है, आरआरबी एलपी में पूछा है कि एलपीजी से लगी आग किस प्रकार की आग है। तो वो आप लोग एलपीजी से लगी यानी कि गैस अवस्था में एलपीजी होता है और ये क्लास सी फायर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने। उसके बाद आग को निम्न में किस वर्ग में रखा गया है, दिया है आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है, तो क्लास ए बी सी डी, कितने कितने वर्ग में रखा गया है, चार वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से चार वर्ग है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास सी डी। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप लोग, अग्नि निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है, IOF यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फीटर का क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आग की चार श्रेणियां होती है, जैसे चार श्रेणियां कौन कौन सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उसमें कौन कौन सा आएगा, वो कार्बोनेशियन फायर किसे कहते हैं, ए फायर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे, देखिए पूछ ही दिया यहाँ पे, वर्ग ए में से लगी आग को होती है, वर्ग ए से लगी आग होती है कैसा होता है, तरल पदार्थों का होता है या लकड़ी कागज होता है या गैस होता है या विद्युत होता है। तो अभी मैंने बताया क्लास ए फायर कैसा होता है, ठोस होता है, लकड़ी से लगी आग। अगर तरल पदार्थ देगा कि तरल पदार्थ किस में आ जाएगा, क्लास बी फायर में। ऐसे ही दिया है गैस है, तो गैस से लगी आग किस में आ जाएगा, अभी मैंने बताया क्लास सी में। उसके बाद विद्युत दिया है ऑप्शन में, वर्ग ए में विद्युत भी दिया है, तो विद्युत से लगी आग किस में जाता है, क्लास डी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग ए में लगी आग किससे होता है, लकड़ी और कागज और प्लास्टिक वगैरह। यहाँ पे लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक कागज भी लिख लीजिएगा, कागज भी क्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 4000 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि, और मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी फीटर में पूछा था, ठीक है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है, किससे बुझाया जाता है, पानी से, ड्राई पाउडर एक्सटिंगजर से, सोडा एसिड एक्सटिंगजर से या सीटीसी फायर से। तो हम यहाँ पे देखिए विद्युत से लगी आग को हम लोग सीटीसी फायर एक्सटिंगजर से बुझाते हैं, ठीक है, या धातु से लगी आग से भी हम लोग इससे बुझाते हैं, धातु से लगी आग, धातु यहाँ पे लिख लीजिएगा, सीटीसी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सीटीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप लोग इसका नोट करेंगे, सीटीसी का फुल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम पूछ देता है, तो आप लोग क्या करेंगे, सीटीसी का फुल फॉर्म पूछ देगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्या करता है, कभी पूछ देगा कि सी का मतलब क्या हो गया, ये सी का मतलब सीटीसी दे दिया और ये वाला सी, या टी का पूछ देगा कि टी का मतलब क्या होगा, तो टेट्रा यहाँ पे याद रखिएगा। सीटीसी का अगला नाम और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पूछ देता है कि सीटीसी के और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आप लोग नोट करेंगे, दिया है ब्रोमो फ्लोरोमेथेन, ब्रोमो फ्लोरोमेथेन, ब्रोमो फ्लोरो मेथेन, ये याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा है तो मैं बता रहा हूं। अगला दे दीजिएगा, देखिए पानी से तो हम लोग बुझाएंगे नहीं विद्युत से लगी आग, क्योंकि पानी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ड्राई पाउडर एक्सटिंगजर का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं, तो ड्राई पाउडर का क्लास सी फायर में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, ड्राई एक्सटिंगजर, एक्सटिंगजर का मतलब होता है अग्निशामक यंत्र, तो इसको क्लास सी फायर से लगी आग को बुझाने के लिए, क्लास सी फायर से लगी आग को बुझाने के लिए। क्लास सी में क्या आता है, ठोस, द्रव, गैस, ए बी सी, गैस सी
गैस से लगी आग, गैस से लगी आग मतलब एलपीजी हो गया, मिथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्लास क्लास सोडा एसिड है ना, तो क्लास ए फायर को, ठीक है, क्लास ए फायर को सोडा एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ देगा क्लास ए फायर को, क्लास ए फायर में क्या क्या आता है, अभी मैंने बताया लकड़ी, प्लास्टिक और कागज वगैरह आता है, तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, प्रीवियस ईयर का है तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाऊँ एक एक चीजें, हर बार क्वेश्चन आता है तो पूछ देगा क्लास ए फायर से लगी आग, क्लास ए फायर से लगी आग को बुझाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, अगर नहीं किए होंगे तो पीछे वीडियो को बनाकर देख लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर से है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे हैं, आप लोग 4000 क्वेश्चन है देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, टोटली प्रीवियस ईयर के। अब देखिए यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है, अभी तो मैंने बता दिया सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर किसका, विद्युत से लगी आग या धातु से लगी आग को हम लोग सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला दे देगा क्लास ए फायर से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पानी, ड्राई पाउडर, सोडा, सीटीसी। तो देखिए क्लास ए फायर के लिए सबसे बेहतर विकल्प देता है यहाँ सोडा। यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ जो कि मैं अग्निशामक यंत्र में आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, सोडा एसिड हो गया, सीटीसी हो गया, यहाँ पे मैं फोम लिख दे रहा हूँ, फोम, फोम एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र। अब ये चार ऑप्शन दिया है तो चारों ऑप्शन को आप लोग यही रिपीट कर लीजिएगा। देखिए पिछला क्वेश्चन आप लोग पिछला आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत कुछ सीखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि क्लास ए फायर के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये चारों ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। क्लास ए फायर पूछा है, क्लास ए की जगह ना पूछ के आप लोगों से पूछ देगा प्लास्टिक या कागज से लगी आग को किस प्रकार बुझाते हैं, और ऑप्शन में चार ऑप्शन ये देगा, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड और सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्लास ए फायर बोले या कागज से लगी या प्लास्टिक से लगी आग को बोलो तो किस का इस्तेमाल करेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फ्लेम एक्सटिंग्विशर इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, द्रव से संबंधित लगी आग। तो यहां क्वेश्चन आपको घुमाकर भी पूछ देता है द्रव किस फायर में आता है, तो द्रव किस में आता है हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये किस में आता है, क्लास बी फायर जो होता है वो द्रव में आता है, क्लास बी, ठीक है, क्लास बी फायर किस में आता है, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में अगर आपका पूछे क्लास बी फायर को बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन में दे देगा फोम, ड्राई पाउडर, सोडा, सीटीसी, तो किसका हो जाएगा, क्लास बी। क्लास बी की जगह अगर पूछना होगा तो देखिए फोम एक्सटिंग्विशर का क्लास बी फायर को बुझाने के लिए करते हैं। क्लास बी ना लिखकर आपको क्लास बी में कौन कौन से, क्लास बी गैस से संबंधित है, गैस में क्या क्या आता, मीथेन, ब्यूटेन, ठीक है, एलपीजी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेथेन से लगी आग या ब्यूटेन से लगी आग या एलपीजी से लगी आग को किस प्रकार फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा, फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अब ये तो मैंने बता दिया क्लास आपका, देखिए विद्युत से लगी आग पूछा था, अगला क्वेश्चन लिखवाया था, तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का। अब घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा क्लास डी फायर को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का। अगर सीटीसी नहीं दिया रहेगा तो आपको ब्रोमो फ्लोरो क्लोरोमेथेन वहां पे ऑप्शन रहेगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपका तरह तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है, इसमें तरह तरह से क्वेश्चन बनेंगे जो कि मेरे पास पीडीएफ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, दिया है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह, ये चिन्ह दर्शाया गया है, ये कौन सा चिन्ह, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी यूपी आर्बिनर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये चिन्ह अभी भी आपको गोलाकार दिया रहेगा और उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा रहेगा, क्रॉस मतलब कुछ मना किया जा रहा है, और जब मना किया जा रहा है यानी कि प्रोहिबिशन साइन यानी कि निषेधात्मक चिन्ह होगा, ये याद रखिएगा। अब आप लोग एक एक चीज यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी यहाँ पे पूछ देगा कि प्रोहिबिशन साइन कैसा होता है, उसकी पट्टी जो होती है किस कलर का होता है, तो याद रखिएगा ये वाली जो पट्टी होती है ना मैं यहाँ पे बना दूँ रेड कलर का होता है, ये जो पट्टी होती है बाहरी किनारा ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी पूछ देगा प्रोहिबिशन साइन में यानी कि निषेधात्मक चिन्ह में जो यहाँ पे
चिन्ह बना होता है वो किस कलर का होता है, तो वो काले कलर का होता है। कभी पूछ देगा प्रोहिबिशन साइन यानी कि निषेधात्मक चिन्ह में ये क्रॉस पट्टी जो होती है, क्रॉस ये किस कलर का होता है, तो ये भी रेड कलर का होता है, ये याद रखिएगा, बना लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम एक एक चीज और भी डिटेल आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो ये चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का रिविजन हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैंडेटरी साइन देखेंगे, ठीक है, मैंडेटरी साइन यहाँ पे देखिएगा, मैंडेटरी साइन, ये मैंडेटरी साइन कैसा होता है, ये इसकी आकृति गोलाकार होती है, कैसा होता है, गोलाकार होता है। सबसे पहले तो आकृति इसका कैसा होता है, गोलाकार होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है, तो बैकग्राउंड इसका नीला कलर का होता है। इसमें बैकग्राउंड कैसा बना होता है, जैसे यहाँ पे हेलमेट बना देगा कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये नीला कलर का बैकग्राउंड ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये चिन्ह तो हो गया, ये बैकग्राउंड है, ये कैसा होगा, नीला कलर का होगा। याद रखिएगा मैंडेटरी साइन कैसा होगा, गोलाकार होगा, चिन्ह कैसा होगा, काले कलर का होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, नीला होगा, ये मैंडेटरी साइन के लिए याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग प्रोहिबिशन साइन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोहिबिशन साइन अभी आप लोग ने देखा कैसा होता है, तो इसका जो गोलाकार होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसकी जो बॉर्डर है कैसा होता है, बॉर्डर का कलर लाल कलर का होता है। और इसमें जो चिन्ह होता है वो किस कलर का होता है, अभी मैंने बता दिया है चिन्ह कैसा कलर का होता है, यहाँ पे सिगरेट बना था तो ये चिन्ह कैसा है, काले कलर का है। और जो क्रॉस पट्टी होती है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ये कैंसर कौन सा चिन्ह है, प्रोहिबिशन साइन का, ठीक है। लाल कलर का बॉर्डर होता है, चिन्ह का रंग कैसा होता है, काला होता है। बैकग्राउंड इसका कैसा होता है, तो बैकग्राउंड इसका सफेद होता है। अगला देखेंगे, अगला जो दिया है वो है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन के, कहाँ गया ये रहा, वार्निंग साइन कैसा होता है, गोलाकार त्रिभुजाकार कैसा होता है वो नोट करेंगे। तो वार्निंग साइन जो होता है यहाँ पे आप लोगों का इस प्रकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे त्रिभुजाकार होगा, इसमें मान लीजिए कि इस प्रकार बना होता है, ये क्या दिखाता है, बिजली, बिजली यानी कि रिस्क आप किसका रहता है, रिस्क आप फायर का, यानी कि ऐसा सीन देखेंगे तो कैसा होगा, ये फायर का क्या है, निशान है कि रिस्क है यहाँ पे फायर का, वार्निंग साइन का। तो वार्निंग साइन में आप लोग याद रखेंगे आकृति कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है, तो बैकग्राउंड इसका ये वाला पार्ट कैसा होता है, पीला होता है। आप लोग वर्कशॉप में कंपनी में देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो चारों तरफ होगा पीला कलर का होगा। चिन्ह का रंग कैसा होगा, तो सफेद या काला होता है, मैक्सिमम हर जगह काला होता है, चिन्ह के लिए याद रखिएगा काला होता है, ठीक है। बॉर्डर कलर, ये बॉर्डर कलर जो है इसका वार्निंग साइन है, ये वार्निंग साइन कौन सा साइन पढ़ रहे हैं हम लोग, वार्निंग साइन पढ़ रहे हैं। तो वार्निंग साइन बॉर्डर का कलर कैसा होता है, काला होता है। अब बचा हम लोग का इंफॉर्मेशन साइन, मैं यहाँ पे मिटा दूं, इंफॉर्मेशन साइन, इंफॉर्मेशन साइन के लिए लिखिएगा यहाँ पे सूचना चिन्ह, सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कैसा होता है, मैं यहाँ पे सॉरी रेड कलर में बना रहा हूँ, ये मैं बना दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन साइन। सबसे पहले तो ये कैसा होता है, वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन साइन हम लोग पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं देती हैं, ये चीजें क्या देती है, सूचनाएं देती है। वार्निंग साइन चेतावनी देता है, और प्रोहिबिशन साइन निषेधात्मक चीज, ये मना करता है कि ये चीजें यहाँ पे करना मना है। मैंडेटरी, ये तो बहुत आवश्यक होता है कि ये चीजें अगर आप काम कर रहे हैं तो करना होगा, जैसे हेलमेट पहनना जरूरी है जब जॉब के लिए जा रहे हैं, ऊंचाई पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊंचाई पे कोई वर्क चल रहा है तो नीचे हेलमेट पहनना जरूरी, अगर ऊंचाई से थोड़ा भी चीज गिर जाता है तो आप लोग घायल हो सकते हैं, तो वो मैंडेटरी है वहाँ पे करना, ठीक है। तो अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन साइन में क्या पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ये क्या देता है, सूचना देता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये सिंबल बना दिया इस प्रकार, ये किस चीज का सीन है, फर्स्ट एड का सीन है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन साइन का बॉर्डर कैसा होता है, बॉर्डर पूछ लेगा, या आकृति कैसी होती है, तो आकृति या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसा भी देखे होंगे, आयताकार क्यों होता है, बहुत जगह आप लोग एग्जिट एंट्री देखे होंगे वो होता है ना। अब बैकग्राउंड कलर यानी कि इसमें कलर कैसा देखे होंगे, कहीं हॉस्पिटल में या कहीं रोड पे चल रहे होंगे तो रास्ता इधर मुड़ा है, तो ग्रीन कलर का होता है। इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आकृति वर्गाकार या आयताकार होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा होता है। और चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। जब यहाँ पे हरा होगा चारों तरफ तो ये कैसा होगा, देखिएगा रोड पे जो बोर्ड लगा होता है बताता है कि इधर आपका कानपुर जाएगा, इधर लखनऊ जाएगा, तो वो कैसा होता है, जो लिखा होता है वो व्हाइट में लिखा होता है। और बैकग्राउंड कैसा होता है, क्योंकि वो सूचना दे रहा होता है, और बैकग्राउंड इसका हरा कलर का होता है, ठीक है। और बॉर्डर जो होता है इसका सफेद होता है, ये याद रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोहिबिशन साइन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को रोकने के लिए, सूचना देने के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। यानी कि निषेधात्मक चिन्ह किस लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा,
कि किसी को अनिवार्य कार्य करने के लिए दिया जाता है, या किसी चीज पे रोकने के लिए किया जाता है, या किसी चीज को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है निषेधात्मक चिन्ह, या किसी चीज को चेतावनी देने के लिए, तो निषेधात्मक चिन्ह है, ऑब्वियस सी बात है कि उसे रोकने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से मैं अपलोड करा दिया हूं, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग फुल कोर्स करने वाले हैं बिल्कुल फ्री में, आप लोगों को बिना पेड किए आप लोगों को पूरा फुल कोर्स में पढ़ाऊंगा फ्री में वो भी, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक लिए बाय।